जो हिमाचल प्रदेश के जो आर्थिक हालात हैं उनके मद्देनजर जो अपेक्षा केंद्र की सरकार से और केंद्रीय नेतृत्व से हिमाचल प्रदेश के लोगों को यहाँ की सरकार को थी, उस अपेक्षा उस उम्मीद के ऊपर पूरी तरह से जो है वो केंद्र की सरकार विफल हुई है। यहाँ तक के हमारे यहाँ से सेंटर में मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबंध आपके बिलासपुर जिला से है, हिमाचल से है, लेकिन जो भी बड़े बड़े नेता हिमाचल प्रदेश से केंद्र में हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं, भाजपा में हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लगता है कि भाजपा का तमाम नेतृत्व जो केंद्र में बैठा है वो चाहता है कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस आपदा में फंसे रहें, इस आपदा में कराहते रहें, तड़पते रहें और उनको ऐसी स्थिति में बने रहें ताकि लोगों में नाराजगी हो, गुस्सा हो और उस गुस्से के चलते आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो मतदान करें। लेकिन भाजपा की ये रणनीति जो है पूरी तरह से यहाँ फ्लॉप होगी, फेल होगी, क्योंकि लोग बड़ी नज़दीकी से और बारीकी से केंद्र सरकार का और केंद्रीय नेताओं का जो रुख है उसको जो है आंकलन उसका कर रहे हैं। तो इसका फायदा होने के बजाय नुकसान होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री जो ट्विटर हैंडल के ऊपर बहुत सक्रिय रहते हैं, 450 से ज़्यादा लोगों की जिंदगियां हिमाचल प्रदेश में इस बाढ़ में और इस आपदा में चली गई, लेकिन उनके प्रति अपने ट्विटर हैंडल से भी संवेदना के, सहानुभूति के दो शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहने की जहमत नहीं की। ये एक बहुत अमानवीय और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू जो है हिमाचल प्रदेश की इस त्रासदी में केंद्र सरकार की का, और मुझे इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ये कभी उभर के आया है। और हिमाचल प्रदेश के से यहाँ से अनुराग ठाकुर जी केंद्र में मंत्री हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि 6000 मकान जो है वो केंद्र सरकार ने हिमाचल के लोगों को दिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तो झूठ बोलना बंद करें, बहुत बड़े पद पे हैं, हमारे सांसद हैं, हिमाचल से संबंध रखते हैं, अपने लोगों से क्यों झूठ बोल रहे हैं? अगर 6000 मकान जिन लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं आपदा में उनके लिए केंद्र सरकार ने ये मंजूर किए हैं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो लोगों को दिखाएं। वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मिलने वाले रूटीन में घर हैं जिसमें 1,30,000 रुपये एक मकान को बनाने के लिए दिया जाता है, ये उन्हीं घरों को यहाँ उन्हीं का जिक्र करके जो है वो झूठा प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ऐतिहासिक फैसले जो है राहत देने के संबंध में राहत पैकेज जारी करके उसमें जो प्रावधान किए हैं उसमें लिए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो एक व्यवहारिक पहलू है, आप पता है महंगाई का ज़माना है, घर बनाना जो है बहुत मुश्किल है, बहुत खर्चा उसमें आता है। केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें 1,30,000 रुपये जो है रकम मकान बनाने के लिए दी जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस चीज़ को महसूस किया कि जिन लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, जो बेघर हुए हैं, वो 1,30,000 में 1.5 लाख में अपना घर नहीं बना सकते। तो 7 लाख रुपये की राशि एक घर को बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने अपने राहत पैकेज में उसका प्रावधान किया है, जो मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है और बहुत एक व्यवहारिक कदम है। और मानवीय दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री ने एक महानायक की तरह इस पूरे एपिसोड में, इस पूरी त्रासदी में काम किया है, बधाई के पात्र हैं। केंद्र के ऊपर निर्भर ना करते हुए अपने स्तर पर आर्थिक मजबूरियाँ कई होने के बावजूद इस पूरे प्रकरण में बहुत सफलतापूर्वक, उदारतापूर्वक और मानवीय दृष्टिकोण के साथ प्रदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री ने कार्य किया है, जिसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ।